दरभंगा जिला के बहादुरपुर पंचायत प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव 24 अक्टूबर को होना है। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रखंड के सभी 23 पंचायतों के लिए 167 PCCP दल का गठन किया गया है। पूरे प्रखंड को 23 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रखंड क्षेत्र में कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 321 मूल मतदान केंद्र एवं 12 सहायक मतदान केंद्र के रूप में बनाया गया है। कुल 1,94,432 मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाता 1,03,547 एवं महिला मतदाता 90,873 है। वहीं 24 अक्टूबर को मतदान होने के उपरांत 26 एवं 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। वहीं बहादुरपुर प्रखंड के जलवाड़ पंचायत के मुखिया एवं सरपंच प्रत्याशी हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो देख रहे हैं कि यहाँ के मतदाता बंधु खुद बढ़ चढ़ के हमारे घर आए हैं और ये हम लोग यहाँ से एक यात्रा निकालेंगे और इस बार गरीबों की सरकार और 5 साल में सरकारी योजना में ना दलाली करूंगा और ना दलाली करने दूंगा, इसकी शपथ लेते हुए हम लोग पंचायत में लोगों को कहेंगे कि 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, 2 नंबर के EVM के 2 नंबर पे ढोलक छापे मतदान करें और 5 साल अपने भविष्य के योजनाओं को सुरक्षित करें, उसमें कोई दलाली नहीं होगा, इसका सौगंध खाते हैं। मेरा विश्वास है कि अब की बार गरीबों की सरकार, अब की बार जनहित परिवार, अब की बार यहाँ पे ढोलक छाप की सरकार बनेगी। सिर्फ एक ही संदेश है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, सरकार की योजना और आम भागीदारी, उसमें दलाली नहीं हो। इसी के लिए जीता हूँ, इसी के लिए मरता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस बार ग्राम पंचायत राज जलवार के जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो अपने सुख दुख में हमारे साथी रहे हैं, जो अपने भविष्य की योजनाओं को सुरक्षित करने के लिए आभूषण पाठक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। सबसे पहला मेरा काम रहेगा शिक्षा पे। 3 महीने में शिक्षा समिति का गठन कर अभिभावक, छात्र और बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उन सबों का मीटिंग करके कि कैसे वहाँ पाठ्यक्रम और अन्य कार्यों में सुधार, व्यापक सुधार किया जाए, ताकि हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पैसा खर्च करते हैं उसका बचाव हो, परिवार समृद्ध बने। इसके लिए हमने अपने जीवन को समर्पण कर दिया है। सरकार की योजना और आम भागीदारी, इसमें किसी तरह का दलाली नहीं, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, वो किसी तरह का दलाली जलवाल पंचायत में नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। क्या आपको माध्यम से, सबसे पहले तो आपको हम चैनल को नमस्कार करते हैं। आपको माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारा माध्यम मतदाता सरकार अपना मत को पहचान करे, अपना कैंडिडेट को पहचान करे, जो कहाँ हम वोट कर रहे हैं, किस आदमी को वोट कर रहे हैं, हमारा वोट का माने मतलब क्या है, उसको हमारा मतदाता सरकार जो है उसको अध्ययन करे, कैंडिडेट को पूरा ठोक बजा करके चुन ले, कैसा कोई कैंडिडेट है, किस ढंग का कैंडिडेट है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, उस पर में वो पूरा थिंकिंग करे, उसके बाद हमको मत करे। जो हम इस फुलवाड़ी को सजावे, अपने पंचायत को सुंदर ढंग से सजा करके आदर्श पंचायत बनावे, इस पर मेरा फोकस रहेगा, बदलाव मिलेगा। हम तो नए कैंडिडेट हैं, अनुभव तो उतना नहीं है राजनीति का, लेकिन फिर भी हम जमीन से जुड़ के आ रहे हैं, उस काबिल तो जरूर है जो पंचायत में हम कैसे डील करेंगे, कैसे रहना है, हमारा जनता कैसे खुशहाल रहे, उस पर मैं फोकस होगा। गरीब जनता को हमसे जहां तक जो भी पार लगेगा, हम उनको लिए हर संभव कार्य करेंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है लट्टू छाप, 9 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है, उस पर मैं आप लोग बटन दबाइएगा, हमको भारी से भारी मत दे के विजय श्री बनाइए, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ओर से, और ये किसी प्रकार का कोई रैली नहीं है, जनता से मिलने का, जुड़ने का एक मतलब रास्ता है, उस माध्यम से जनता के बीच हम जा रहे हैं और जनता के बीच अपना वोट का प्रचार प्रसार। परसों चुनाव, जनता का उत्साह देख के लग रहा है कि जनता मेरे लिए खुद तैयार है और मुझे चुनने के लिए तैयार है।